अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू याज एकेडमी। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास के एक और एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और वो है 3.1। ठीक है, 3.1 जो एक्सरसाइज है लॉगरिथम का फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर स्टूडेंट्स हम देखें, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स? साइंटिफिक नोटेशन जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? इसका मकसद ये होता है कि जब भी हमारे साथ कोई लार्ज नंबर हो, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, या कोई भी स्मॉल नंबर हो, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, तो इसको आसान लफ्जों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, कि जब मैथ्स में हमारे साथ कोई लार्ज नंबर हो या कोई स्मॉल नंबर हो, तो उसको हम इजी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ स्टूडेंट्स एक्स एक नंबर है, इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन यूज करके लिखेंगे तो ये हमारे साथ इसके बराबर ए मल्टीप्लाइड 10^n। अब ए हमारे साथ नंबर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखेंगे और n हमारे साथ क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सही है स्टूडेंट्स? सो साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे साथ लार्ज और स्मॉल नंबर हम इजी लिखते, तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। ये डिफिनेशन है सिंपल। अब लिखने का जो तरीका है वो भी मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह आपने साइंटिफिक नोटेशन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 है 40, ठीक है, 5 एंड 4,05,000 है, ये सही है। अब ये नंबर हम किस तरह लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन यूज करके, तो ये सॉल्यूशन, जब भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे साथ इस तरह का नंबर हो, तो इसमें हमारे साथ डेसिमल पॉइंट क्या किधर होगा, इधर हो गई इस साइड पे, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट हम टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लेके आएंगे। किस तरह लेके आएंगे? नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये है कि 1 से लेकर और 9 तक। इधर देखिए, ये डेसिमल पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। आप किधर शिफ्ट करेंगे, ये इस जो ये नॉन जीरो डिजिट है 4, इधर इसको लेके आएंगे इस तरह 4.5, ठीक है, स्टेप वाइज इसको देखिए 4.05 मल्टीप्लाई 10^ ये ए क्या है, ये नंबर है 10। और अब इधर देखिए, ये डेसिमल पॉइंट हम जितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये इसको हम ये इधर लिखेंगे। लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस होगा, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट ये जो पावर है एन, ये हमारे साथ फिर नेगेटिव और इधर प्लस होगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखिए, ये नंबर सेकंड पार्ट, आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है, 16,00,000 16,00,000 और 70,000, तो ये हो जाएगा 167। अब इधर देखिए, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 16,70,000 एक जीरो और है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर हमारे साथ डेसिमल पॉइंट होता है, इस डेसिमल पॉइंट को हम नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लेके आएंगे, जो फर्स्ट नॉन टू जीरो डिजिट है 16, ये डेसिमल पॉइंट हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो अब देखिए ये हो जाएगा 1.67। ये भी लिखना है जो नॉन जीरो डिजिट होता है, और ये आपने भी लिखना होता है, जीरोज नहीं लिखने, मल्टीप्लाई 10^ अब इधर हम क्या करेंगे, प्लेसेस काउंट करेंगे 1, 2, 3, डेसिमल पॉइंट इधर से शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट, अब ये प्लेसेस हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये प्लस 6, लेफ्ट प्लस 6, राइट प्लस माइनस, ठीक है। ये सेकंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट जीरो, अब इधर देखिए 0.00030405060, ठीक है,
1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3, 9। अब ये डेसिमल पॉइंट को देखिए, ये इसके अपोजिट है, ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट हम जो नॉन जीरो डिजिट है 3 और 9 इसके दरमियान लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई, प्लेसेस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 प्लेसेस हम टूवर्ड्स राइट आए हैं, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट हमने राइट शिफ्ट किया है, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 10^-7। अब फर्क समझ में आया स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स लेफ्ट प्लस टूवर्ड्स राइट माइनस, ठीक है, टूवर्ड्स राइट माइनस। तो ये लिखने का तरीका ये है, आपने डेसिमल पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लेके आना है और फिर आपने प्लेसेस काउंट करके आपके साथ आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर है 0.00, ठीक है, एंड 0.92, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब डेसिमल पॉइंट हम इधर नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई 10^-पावर, ये हम राइट जा रहे हैं, तो 1 प्लेसेस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा -4। नेक्स्ट नेक्स्ट है 5 नंबर 2, 3, 4, 6, 0, ठीक है, 3, 0 और 3, 0। ये देखे साइंटिफिक नोटेशन यूज करने का मकसद, जब भी इस तरह के लार्ज या इस तरह के बहुत स्मॉल नंबर्स होते हैं तो इसलिए हम इधर साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं ताकि हमारे साथ इजी हो जाए काउंटिंग। अब इधर देखे, ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास इस तरह के नंबर में इधर होता है, ठीक है, जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो मतलब कि डेसिमल पॉइंट हमारे साथ इधर होगा। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ये जो पहले दो नॉन जीरो डिजिट है इसके दरमियान, जो कि है 2.34 और ये 6 भी लिखना है, मल्टीप्लाइड 10^-पावर, अब प्लेसेस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन लेफ्ट आए हैं तो +11, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 11 लिखें, ठीक है। अब 6 नंबर को देखें, 6 नंबर है 8904, इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 000 एंड 000, ये भी सेम इस तरह का है, डेसिमल पॉइंट इधर होगा, इसको हमने शिफ्ट करना है ये 8.9 के साथ और ये हो जाएगा 04, ठीक है, ये 4 तक आपने लिखना है, जो नॉन जीरो डिजिट है वो आपके आपने डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना होगा, मल्टीप्लाई 10^-पावर। इधर एक पॉइंट आपने स्टूडेंट्स नोट करना है कि आपने डेसिमल पॉइंट तो इधर लगाया है ना, तो प्लेसेस जो आप काउंट करोगे आप इस 9 तक काउंट करोगे, जिस तरह ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और हम लेफ्ट आए हैं तो +9, ठीक है, तो ये हमारे साथ आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है 0.00104। अब देखें, हमने डेसिमल पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लेके आना है, जो कि है 104। अब ये डेसिमल पॉइंट हम ये जो इधर डेसिमल पॉइंट है इधर, इसको हमने इधर शिफ्ट करना है, किस तरह देखें, ये हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट हम इधर शिफ्ट करेंगे 1.04 के दरमियान, मल्टीप्लाई 10^-पावर, ये प्लेसेस काउंट करें 1, 2, 3, 4, लेकिन हम राइट आए हैं तो -4। ये कितने हैं, 1, 2, 3, सॉरी 3 है, ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, ये हमने इधर शिफ्ट किया है तो ये -3 है, गलती हो गई थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, एट नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है 0.00030, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर काउंट करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। इधर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट हो जाएगा। और फिर क्या है फाइव वन फोर, ये हो जाएगा स्टूडेंट सोल्यूशन। अब ये डेसिमल पॉइंट हम इधर फाइव वन के दरमियान लेके आएंगे, फाइव पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई, ये प्लेसेस काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है नाइन है तो ये हमारे साथ, और ये हम राइट टूवर्ड्स राइट आए हैं, ठीक है तो ये हमारे साथ क्या है टेन रेज टू पावर माइनस नाइन। लास्ट नंबर फॉर्ट नाइन नंबर ये है जीरो पॉइंट जीरो फाइव, ठीक है मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस थ्री। इसको देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, ये हो जाएगा स्टूडेंट सोल्यूशन। अब ये डेसिमल पॉइंट हम क्या करेंगे इधर शिफ्ट करेंगे फाइव के साथ इधर लेके आएंगे इधर इस तरफ फाइव पॉइंट, लेकिन पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि और इधर एक नंबर नहीं है। अब मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर, ये देखे डेसिमल पॉइंट हम कितने प्लेसेस लेके आए हैं वन टू, तो माइनस टू राइट है ना टूवर्ड्स राइट माइनस टू और मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस थ्री अपनी जगह पे वापस आ जाएगा जिस तरह वो क्वेश्चन में मेंशन था। अब क्या करेंगे बेसिस सेम है इधर, इधर बेसिस सेम है कि नहीं फाइव लिखेंगे, बेस सेम है तो एक बेस लिखेंगे और पावर एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस फाइव, ये होगा हमारे साथ क्या आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर वन जो है सॉल्व हो गया कि हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज किस तरह करना है और क्यों यूज करना है, ठीक है इसको मिटा देता हूं। जो भी क्वेश्चन हो सुन साहब के जहन में अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और ये तरीका है और ये यूज हम इसलिए करते हैं साइंटिफिक नोटेशन ताकि इजी हो जाए काउंटिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है इसका अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज किया इन नंबरों के दरमियान, और अब हम क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी यूज हुआ है हमने कन्वर्ट करने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, किस तरह करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर टू में फॉर्ट नंबर वन 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस फाइव, ये हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन। अब देखें जब हमारे साथ पावर माइनस होता है तो मतलब क्या है कि हम क्या है ये डेसिमल पॉइंट हमने टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया है, ठीक है। अब हम फाइव प्लेसेस आए हैं तो ये आसान तरीका इसका ये है कि हम क्या करेंगे ये डेसिमल पॉइंट हम अब लेफ्ट साइड पे फाइव प्लेसेस लेके जाएंगे ताकि हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किस तरह देखें 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस फाइव। अब ये माइनस फाइव तो मतलब फाइव प्लेसेस हम ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है किस तरह करेंगे देखे ये 83 लिखेंगे 83 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट एक ये हो गया दूसरा तीसरा चौथा एंड फाइव ये हो जाएगा 0.000083, तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए अगेन ये माइनस फाइव तो इसका मतलब ये है कि ये जब माइनस फाइव है तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट किया है फाइव प्लेसेस तक। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को हम टूवर्ड्स राइट इसका अपोजिट शिफ्ट करेंगे फाइव प्लेसेस, एट ऑलरेडी है एक प्लेस और फोर हम क्या करेंगे जीरोस लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स दूसरा करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा 4.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर प्लस सिक्स। अब देखिए प्लस सिक्स हमारे साथ किस तरह होता है
6 हम जब साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं तो डेसिमल पॉइंट जब प्लस होता पावर जब प्लस होता है तो मतलब कि डेसिमल पॉइंट हम लेफ्ट तक लेके जाते हैं। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल पॉइंट हमारे साथ टुवर्ड्स राइट आएगा। किस तरह और कितने प्लेसेस? 6 देखे, ये हो जाएगा 4 1, ठीक है, और ये एक प्लेस ये 1 तक हो गया डेसिमल 1, ठीक है, और जो 5 है बकाया 5 हम जीरोस लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन 4.1 × 10⁻⁶, जब पावर हमारे साथ प्लस होता है तो मतलब हमारे साथ डेसिमल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट राइट तक राइट वापस हम लेके जाएंगे। कितने प्लेसेस लेके जाएंगे? 6 प्लेसेस। तो ये देखे, ये 4.1 तो 4 1 हो गया, एक प्लेसेस ये 1 1 2 3 4 5 6, तो हमारे साथ आंसर आ गया। थर्ड नंबर पार्ट, 2.07 × 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 207, दो प्लेसेस ही 5 जीरोस लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे साथ आंसर। आसान, 7 प्लेसेस तक जाएंगे और ये हम प्लस जब होता है तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.15, ठीक है, 3.15 × 10⁻⁶। अब हमने क्या करना है, इसको किस तरह सॉल्व करना है? इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट जब हमारे साथ इधर साइंटिफिक नोटेशन यूज होता है और माइनस होता है तो इसका ये मतलब है कि डेसिमल पॉइंट हमारे साथ राइट शिफ्ट हुआ है, राइट, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये डेसिमल पॉइंट हम क्या करेंगे, टूवर्ड लेफ्ट पे लेके जाएंगे, और कितने प्लेसेस जाएंगे? -6, 1 ये है तो 5 हम क्या लगाएंगे, 0, इस तरफ 0.00001234 हो गए और ये 5, ये काउंट नहीं होता, ठीक है, और 3, तो ये 6 प्लेसेस हो गए, ये डेसिमल पॉइंट हमने 6 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया और ये हो जाएगा 1 5, तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 4 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6.27 इजी है, ठीक है, × 10⁻⁰। इसमें हमने जब साइंटिफिक नोटेशन यूज होता है और पावर माइनस होता है तो मतलब हम राइट गए हैं, कितने प्लेसेस? 10 प्लेसेस। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लेफ्ट आएंगे, कितने प्लेसेस? 10 प्लेसेस, एक 6 का है प्लेसेस, 9 हम क्या लगाएंगे, 0, लेकिन ये 0 काउंट नहीं होगा काउंट, और हम 9 0 इस तरह लगाएंगे, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 लगेगा, 2 7, तो ये आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर है 5.41 × 10⁻⁸, ठीक है। अब हम पॉइंट क्या करेंगे, माइनस पावर का मतलब कि हमारे साथ डेसिमल पॉइंट जब साइंटिफिक नोटेशन यूज हुआ है तो राइट हम गए हैं, कितने प्लेसेस? 8। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये लेफ्ट हम आएंगे, कितने प्लेसेस? 8, 5 ऑलरेडी है, 7 हम क्या लगाएंगे, 0, 1 2 3 4 5 6 7 5 4 1, सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, 7 नंबर है 7.632 × 10⁻⁴। -4 का मतलब अगेन इसके सेम कि हम राइट आए हैं तो हम लेफ्ट आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा कितने प्लेसेस, 4, 7 ऑलरेडी है, 3 जीरोस लगाएंगे, ये काउंट नहीं होता, 1 2 3 7 6 3 2, ये हमारे साथ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को देखे स्टूडेंट्स, 9.4, ठीक है, × 10⁻⁵, 5 पावर प्लस है तो मतलब हम लेफ्ट आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट करेंगे, कितने प्लेसेस? 5, 4, ये प्लेसेस जो 4 का है, एक ऑलरेडी है, और हम क्या लगाएंगे, 4 और जीरोस लगाएंगे, 4 का जो एक प्लेस है
ये फाइव प्लेसेस है टोटल, फोर एक हो गया, फोर हम जीरोज लगाए तो ये हमारे साथ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन नंबर क्वेश्चन है -2.6 मल्टीप्लाई 10^9। नाइन रेज, इधर देखिए पावर क्या है, प्लस, मतलब ये जब साइंटिफिक नोटेशन यूज हुआ है तो हम लेफ्ट आए हैं नाइन प्लेसेस तक, अब हम राइट जाएंगे कितने प्लेसेस, नाइन प्लेसेस, सिक्स का एक प्लेस ऑलरेडी है, एट हम क्या लगाएंगे, जीरो, तो ये हो जाएगा -2, 6 और एक प्लेसेस सिक्स का होगा नाइन से, तो एट हम जीरो लगाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन एंड हाउ टू यूज, फिर पावर माइनस और प्लस का आपने फर्क समझना है। थैंक यू। लास्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आप कमेंट में बिल्कुल आप मुझसे, सॉरी यार ये क्यों, लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखे स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन, द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई 10^7 माइल फ्रॉम अर्थ एंड लाइट ट्रेवल 1.86 मल्टीप्लाई 10^5 माइल पर सेकेंड। अब इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को, तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि जो सन से लाइट आती है अर्थ तक ये कितना टाइम लेगा, हमने ये फाइंड करना है। गिवन है क्या, द सन इज 9.3 माइल्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सन तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, वो कितना है, वो है स्टूडेंट्स 9। सो डिस्टेंस जो है अर्थ से सन तक वो कितना है, 9.3 मल्टीप्लाई 10^7, ठीक है, 10^7 माइल। अब दूसरा गिवन क्या है, एंड लाइट ट्रेवल, जो लाइट ट्रेवल करती है सन तक वो कितने स्पीड से करती है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं वो है कितना, 1.86 मल्टीप्लाई 10^5 माइल पर सेकेंड। अब ये गिवन गिवन डेटा हो गया, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड या रिक्वायर्ड दोनों सेम है, ठीक है, वो हमने क्या करना है, वो हमने करना है टाइम ऑफ लाइट टू रीच अर्थ, ठीक है, जो टाइम है स्टूडेंट्स सन से अर्थ तक वो हमने फाइंड करना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे ये जो है स्टूडेंट्स ये, या इसको सीधा सॉल्व करते हैं, हमें मालूम है कि जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, अब हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब हम क्या करेंगे, इधर देखें ये 9.3 मल्टीप्लाई 10^7 डिवाइड बाई 1.86 मल्टीप्लाई 10^5, इधर साइंटिफिक नोटेशन यूज हुआ है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब देखे स्टूडेंट्स अगर इसको हम डिवाइड करें 9.3 को 1.86 पे तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट ये देखे ये हमारे साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10^7 और ये जो प्लस 5 पावर है 10 का, ये हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर जब भी हमारे साथ ऊपर शिफ्ट होगा बेस सेम हो जाए होगा और पावर ये प्लस से माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा जब ऊपर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट देखें हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 और ये सेकेंड्स,
फाइव मल्टीप्लाई ये बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे, 7 माइनस 5 हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 सेकेंड। तो ये हमारे साथ आंसर आ गया। ठीक है, बुक में थोड़ा जो आंसर है ये गिवन है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो ये हमारे साथ सेकेंड्स में आया। अब देखिए इधर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 तो मतलब 100, 10 रेज़ टू पावर 2 मतलब क्या है कि 1 के साथ 2 जीरोस। ठीक है, 10 पावर 3 का मतलब 1 के साथ 3 जीरोस। तो ये इस तरह होता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो टाइम है हमारे साथ ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 100 तो इसे आ जाएगा 500 सेकेंड्स। अब हमको इसको मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो 500 डिवाइड बाय 60 करेंगे स्टूडेंट्स। तो इधर देखिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, 500 डिवाइड 6 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट और 30 सेकेंड्स हमारे साथ इधर आए, तो ये सही हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ आंसर आ गया। तो इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और भी इस तरह के और लेक्चर्स तैयार करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।